एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे पीछे से उनके खुद के भाई चचेरे भाई वो पीछे से आके बड़ा पत्थर देखो जलन तो होता है पास में रहते हैं तो और जलन होता है दोष दिखता है ऐसे भगवान बुद्ध के साथ ही रहे उन्हीं के चचेरे भाई तो उनको लगा कि ये क्या बड़े बुद्धि ये क्या दस हजार लोग इनके साथ बैठे मैं भी कर सकता मैंने ही किया जो अक्सर चीजों को संयोजन करते हैं उनको ये सिर पे चढ़ जाता है। लगता है अरे मैंने ही सब संयोजन किया इसका ऐसा भाव होता था तो फिर दो चार लोग उनको उकसाने वाले भी होते हैं ऐसे उनको उकसाने वाले भी थे उनके साथ भी चार पांच लोग जुड़ गए थे वो द्वेष का बीज हल्का सा बीज उनके चारों ओर के लोग पानी वानी दे दे वो बड़ा वृक्ष बन गया फिर वो एक बार पीछे से गया बुद्ध ध्यान में बैठे थे इतना बड़ा पत्थर वहां से बाल बाल बचे बुद्ध उनके सामने गिर पड़ा तो अपने गुरु के प्रति ऐसे कोई करता है तो बाकी लोगों का तो खून खलता है सब लोग उतना गुस्सा आया लोगों को तब बुद्ध मुस्कुरा के बोले शांत हो जाओ बैठ जाओ बुद्ध ने कहा कभी कुछ कर्म होगा भाई आप लोग कर्म मत बांधो उसका कुछ ऐसा कर्म है वो इस तरह सा कर्म करके उसको समाप्त कर रहा है अब उस पर तुम लोग क्यों कर्म बांधते को तो पत्थर ने कुछ नहीं किया क्योंकि तो वो सब कर्म से बाहर हो चुके थे उनको कुछ नहीं उसका असर पड़ा दूसरे जो गलती करते हैं, करते हैं मगर उस गलती को तुम अपने मन में लेके गोदते रहते हो अपने मन में तुम उतना तुम भी कर्म बनाते रहते हो या कन्नड़ में एक कहावत है मारदोर पापा अड़दोर बाय अली माने जो पाप करता है वो कहा चली जाते जो बोलता है उनके मुंह में चली जाती मैंने हम अपने मन को इन चीजों से दूर यही साधना है साधना मैंने सिर्फ बैठ के आंख बंद करके ध्यान करते रहो जो अभी यही नहीं है साधना साधना मैंने मन की तरलता मन में किसी चीज को टहरने नहीं दिया भूतकाल की वो सब चीजों को प्रसन्नता से लेके आगे बढ़े तो भगवान बुद्ध के पास जो व्यक्ति आया उन्होंने कितने लोगों को सताया था पहले बुद्ध के पास आकर के वो उनका जीवन में परिवर्तन हो गया पूरा बदल गया वो भिक्षु जब गया तो लोग पहचाने ये वही आदमी है जो हम लोगों को बहुत सताए सब ने पत्थर मारी उसका कपड़े फाड़ दी उसके शरीर में घाव हो गया अगर उसके चेहरे से मुस्कान नहीं गया वो जब वापस बुद्ध ने बोला अरे भाई तुम्हारा इतना घाव हो गया क्या हुआ मुस्कुराते बोला कर्म सारे कट गए मुझसे कितने लोगों को कितना कितना आघात पहुंचा हुआ होगा उन लोगों ने उसको हम पर दिखाया उनकी भावना आज मैं समझ रहा हूं उन लोगों के दिल में कितना दुख दर्द रहा होगा मगर आपकी कृपा से मैं कर्म से ऊपर उठ गया मुझे कर्म नहीं बांधा बोला उस कर्म मुझके नहीं छुआ मेरे मन को नहीं छुआ नहीं तो ये चेन रिएक्शन होता है उसने मेरे को ये किया मैं उसको ये करूंगा उसने ये किया मैंने ये करूंगा तो ये सिलसिला चलता चला जाता है फिर ये श्रृंखला खत्म ही नहीं होगी फिर कर्म को समाप्त करो मन में इन चीजों को आने न दो जो तुम्हारा वो तुम्हारे पास आएगा रहेगा उससे भोग किए बिना तुम जा नहीं सकोगे उपभोग तुमको जो मिलना भाई हमको कुछ चीज नहीं मिला इसी ना हमको गुस्सा आता है या हमको कोई चीज गाली गलौज मिली इससे गुस्सा आता है ना? तो कोई स्थान किसी ने हमारा छीन लिया तो गुस्सा आ गया अरे भाई जो तुम्हारी है वो चाहे इंद्र भी आए तो तुमसे नहीं छीन पाएगा वो तुमको मिलेगा ही है ये मन में दृढ़ता से बिठा देना चाहिए इसी को आत्मनिष्ठा बोलते हैं आत्मनिष्ठा मैंने क्या मुझे कोई कर्म नहीं पान भूतकाल को ऐसे ले लेना है मेरे साथ जो होना तो वही हुआ हो गया चलो उससे मैं संतुष्ट हूं उससे मैं कोई दुखी नहीं भाई तुम्हें भूतकाल ही तो दुखी करता है वर्तमान में यदि तुम दुखी हो तो भूतकाल की घटनाएं तुम्हें वर्तमान में दुखी करता है वर्तमान में दुखी करने के लिए सिर्फ भूख और प्यास ही है और कुछ नहीं नींद भूख प्यास नींद ना हो वर्तमान में बच्चे रोते हैं मगर जो तुम दुखी होते हो वो भूतकाल की घटनाओं को अपने मन में ढोते 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 दुखी होते हो क्या यहां गुरु के पास आने का यही कारण होना चाहिए तस्मयी नम परम कारण कारण आया सब कारण के कारण तुम हो प्रभु ईश्वर तुमको नमन तुम्हें बार बार नमन करता हूं अब देखो कितनी प्रसन्नता उमड़ आती है सारी सिद्धियां आगे आने लगती है इस समझ के बिगैर तुम बीस बार बैठ के प्राणायाम करो कुछ भी करो कुछ नहीं फायदा होने वाला आदि शंकराचार्य खुद बोलते हैं कि यदि ये निष्ठा नहीं है ज्ञान में इतना समझ नहीं है तो ये सिर्फ नाक को पीड़ा देने की बात होती है बीस बार आँख नाक पकड़ के कुछ भी करो ये नाक को पीड़ा है हाँ जी मैंने साधना कर ली और क्या चेहरे देखो तो नाराजगी बुस गुस्सा द्वेष अफसोस ये सब होता है छोड़ ये सब क्या हम कहो अरे गुरुदेव आप बोलते सब आसान लगता है पर करने में बड़ा मुश्किल होता है बार बार जाके देखो तो से माया की हाथ बहुत लंबी है तो वो पकड़ लेती माया तुमको बस मैं इस माया के झपेट में आ गया ये सोचते ही हम उससे बाहर आने लग जाते ये ये स्मरण आते ही तो मुझे कर्म नहीं बांधना है भाई चलो कोई चुगली करने आता है तुम्हारे पास बैठ के बोलता अरे वो आदमी वैसा ये आदमी वैसा उनको बोले नमस्ते भाई हमको सुनना नहीं है भाई कैसे के हाथ जोड़ दो यदि तुम कुछ कर पाओगे तो ठीक है भाई जब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे अरे देखो तुम्हारा कोई बीमारी है <laughs> तो वैद्य के पास जाके बोलो ना अरे मेरा पेट में ये दर्द है सिर में ये दर्द है तो वैद्य कम से कम कुछ तो करेगा तो किसी काउंसलर के पास जाते हो या किसी जो मनोवैज्ञानिक के पास जाके बोलो गुरु के पास आके बोलो शिकायत करो कोई बातें ये आदमी वैसे वो वैसा वैसे है गुरु तो सुन लेंगे सब तो उनको पता है किसको कब क्या देना है कैसे क्या होता है होना है मगर होता रहे। सबसे सबके पास जाके बातें करते रहने से तुम्हें फायदा क्या है किसी की आलोचना करने से तुम्हें मिलता क्या है इससे हमारा क्या है आदत हो जाता है किसी की आलोचना करने का भी एक रस आने लगता है अपना ये पहचानो मन का यह स्वभाव है कुछ नकारात्मक बात करें से इस बड़ा रस आने लगता है रुचि लेने लगते हैं लोग इस आदत से हमें बाहर आने इससे हमको निकलना है है ना? हाँ। गुरुओं के आश्रम में पहले यही करते थे कि तुमको जो पसंद नहीं है उसी से तुम्हें गुजरना पड़ता था मन की जो द्वेष उससे हट जा पहले पहले शुरू शुरू में अपना कोर्स में भी हम कहते थे कोई कहता था मेरे चाचा से मेरे को बहुत नफरत है मुझे चाचा जैसे तुम अभी व्यवहार करो बिहेव करो चाचा जैसे बोलते हैं ऐसे बोलो चाचा जैसे चलते हैं वैसे चलो आधा घंटा चलने के बाद उसको लगा कि अरे भाई ठीक तो है वो अपनी जगह पर मन में जो एक हम बांध के रखे हैं ना वो कर्म वो कर्म बंद इससे छूटी नहीं तो करना है पड़ता देखिए आपको अपने ससुर जी से या सासू मां से कुछ समस्या है और उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हो उन्हीं से द्वेष करते हो मैं कहूंगा वो तुम्हारे घर पे आएंगे दोबारा मर के भी नहीं मुक्ति है अगले जन्म में आप उन्हीं के साथ ही पता नहीं क्या हो गए आना पड़ता इसलिए कहते हैं कि मरने से पहले मन को खाली कर प्रसन्न रखो